आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काम के लिए मैं शहर में रहता था, जबकि मेरे परिवार वाले सब गांव में रहते थे। काम के चलते बहुत दिनों से मेरा गांव जाना नहीं हो पा रहा था। मगर एक दिन सुबह सुबह पापा का कॉल आया। उन्होंने बताया कि दादी की तबीयत सही नहीं है और वो अपने आखिरी वक्त पर मुझे देखना चाहती है। हालांकि अगर कोई दूसरा कारण होता तो मैं मना भी कर देता, मगर इसके लिए मैं गांव जाने के लिए मना नहीं कर सका। फिर क्या था, मैंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और सीधे गांव पहुंच गया। मैं लगभग 1 सालों के बाद अपने गांव आया था, मगर इन 12 महीनों में मुझे गांव का कोई भी कोना बदला हुआ नहीं नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही था। अभी भी गांव में ज्यादातर घर मिट्टी के ही थे। खैर, मैं दादी से मिला और बाकी घर वालों से भी। क्योंकि उन दिनों मौसम गर्मियों का चल रहा था, इसलिए शाम होते ही मैं ताजी हवा खाने के लिए घर के छत पर आ गया। वाकई में छत पर हवा बहुत अच्छी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 10-10 पंखे चलाकर छोड़ दिए हो। कुछ घंटे यूं ही छत पर टहलने के बाद अब लगभग अंधेरा हो चुका था। छत पर से सारा गांव नजर आ रहा था। हालांकि गांव में पक्के इमारत बहुत कम थे, मगर जो थोड़े बहुत थे वो भी छत पर से नजर आ रहे थे। अभी मैं छत पर खड़े खड़े उन इमारतों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक 2 मंजिला इमारत के छत पर गई, जहां कोई छोटी सी बच्ची छत पर इधर उधर टहल रही थी। उस बच्ची ने पूरे सफेद कपड़े पहन रखे थे, इसलिए अंधेरा होने के बावजूद भी वो मुझे नजर आ गई। अभी मैं उस बच्ची को देख ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरा छोटा भाई है। तभी मैंने अपने भाई से कहा, वो घर किसका है? इतना कहकर मैं जैसे ही अपने भाई को घर दिखाने के लिए उस तरफ पलटा तो देखा कि वो बच्ची अब उस घर के छत पर गायब है। तभी मेरे भाई ने कहा, पता नहीं किसका घर है, पर वहां कोई रहता नहीं है, घर खाली पड़ा है। भाई के मुंह से ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि अगर घर खाली पड़ा है तो फिर वो बच्ची कौन थी। खैर, उस वक्त मैंने बात को रफा दफा कर दिया। कुछ ही घंटों में रात हो गई। मेरी आदत थी कि जब भी मैं गांव आता था रात का खाना पीना करके टहलने जरूर जाता था। तो उस रात भी मैं खाना पीना करके टहलने निकल गया। पूरा गांव खामोशी में डूब चुका था, क्योंकि अमूमन गांव के लोग शहर के मुकाबले जल्दी सो जाया करते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। रात का खाना आज कुछ ज्यादा ही हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा दूर तक टहला जाए। और यही सोचकर मैं आगे की तरफ चलने लगा। तब रात के यही कोई 9 बज रहे होंगे। मैंने सोचा क्यों ना वहां चला जाए जहां पहले हम दोस्तों की महफिल जमती थी। मगर जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तभी याद आया कि सभी दोस्तों की शहर में नौकरी लग गई है। इसका मतलब कि अब मैं अपने किसी भी दोस्त को नहीं मिल पाऊंगा। खैर, किया भी किया जा सकता था। मैं आगे की तरफ जाने लगा। चलते चलते अब मैं उस घर के पास पहुंच चुका था जिसके छत पर मैंने अपने छत से एक बच्ची को देखा था। वो घर काफी पुराना और जला हुआ मालूम पड़ रहा था, क्योंकि उस घर की बाहरी दीवारें शायद धुएं की वजह से काली पड़ चुकी थीं और उस घर के आसपास कोई घर नहीं था।
उस घर की ऐसी हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा, और मेरा भाई भी तो यही बोल रहा था। पर अगर यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो फिर वो बच्ची छत पर कैसे पहुँच गई थी? उस घर को देखकर ये सब ख्याल फिर से मेरे जहन में उमड़ने लगे थे। ना जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार उस घर की तरफ आकर्षित हो रहा था, जैसे कोई मुझे उस घर के अंदर बुला रहा हो। अभी मैं खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस घर का दरवाज़ा, जो कि आधा जला हुआ था, वो अपने आप ही एकदम से खुल गया। जबकि उस वक्त ना तो हवा चल रही थी और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला था। खैर, मैं दरवाजे के पास गया और घर के अंदर झांकने लगा। घर के अंदर अंधेरा होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। अभी मैं दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांक ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया हो, और मैं धड़ाम से घर के अंदर जाकर गिर गया। मैं तुरंत पीछे पलटा मगर मुझे पीछे कोई नहीं दिखा। खैर, मैंने अपने जेब से अपना सेलफोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाकर चारों तरफ देखने लगा। वो घर जैसा बाहर से दिख रहा था, अंदर से भी ठीक वैसा ही जला हुआ नजर आ रहा था। घर की खिड़की में जितने भी शीशे थे सब टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। खैर, मैं घर में थोड़ा और अंदर जाने लगा। अभी मैं घर में अंदर जा ही रहा था कि तभी मुझे किसी बच्ची के खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। मैं समझ गया कि ज़रूर इस घर में कोई रहता होगा, मगर इस टूटे फूटे घर में कौन रहेगा, वो भी बिना बिजली के। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज़ आने लगी। इसलिए मैं सीढ़ियों से होकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगा। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर वाली मंजिल पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वही बच्ची जिसे मैंने छत पर से देखा था, वो दूसरी मंजिल के फ्लोर पर इधर उधर भागे जा रही है। मगर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके पीछे पीछे एक औरत भी भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों खेल रहे हो, क्योंकि वो बच्ची भागते हुए भी खिलखिला रही थी। अभी मैं सीढ़ी के पास से छिपकर उन दोनों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से उस औरत और उस बच्ची के चेहरे से एक अजीब तरह की रोशनी निकलने लगी और मुझे उन दोनों का चेहरा साफ तौर पर नजर आने लगा। उन दोनों की शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी और उसकी आंखें अब लाल चमकने लगी थी। ये देखकर मेरी हिम्मत धरी की धरी रह गई। मेरी सांसें बिना भागे ही तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या बला है, क्योंकि मैं ऐसी चीज अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। पता नहीं क्यों मगर उस वक्त मेरे जहन में भागने का भी ख्याल नहीं आ रहा था। सब कुछ मेरी समझ से परे हो रहा था। डरी हुई निगाहों से अभी मैं उन दोनों औरत और बच्ची को देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा, थोड़ी देर पहले तक जो वो दोनों जमीन पर दौड़ रहे थे, अब उनके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर हो चुके हैं और वो दोनों हवा में उड़ते हुए चल रही हैं। ये देखकर मेरा पूरा दिमाग हिल गया। आखिर कोई इंसान हवा में कैसे उड़ सकता है? अभी मैं ये सब हैरान कर देने वाला नज़ारा देख ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे एक आवाज आई, बिना बताए किसी के घर में ऐसे घुस आते हैं? आवाज सुनते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे पीछे
मुझसे कुछ सीढ़ी नीचे एक आदमी खड़ा था। उसकी भी शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। इतने में ही वो औरत और बच्ची भी वहां पहुंच गए। अब उन तीन भूतों के बीच मैं पूरी तरह से घिर चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं यहां से कैसे बाहर निकलूं। धीरे धीरे डर और घबराहट मुझ पर हावी होने लगा और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था। घर वालों ने बताया कि मैं उन्हें उस घर के बाहर बेहोश मिला। फिर मैंने घर वालों को धीरे धीरे सब कुछ खुलकर बताया, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल आज से 6-7 महीनों पहले उस घर में एक 3 लोगों का परिवार रहा करता था। पति पत्नी और उनकी एक 8 साल की छोटी सी बेटी। लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन उनके घर का गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और बदकिस्मती से उस वक्त वो तीनों ही किचन रूम में ही मौजूद थे, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि वो घर तो क्या, आसपास के 1-2 और घर भी जल गए। तब से उस घर में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।